जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है विराट कोहली के आशिक पाकिस्तानी भारत की जीत पर जश्न, वर्ल्ड कप फनी पाकिस्तानी रिएक्शन। तो ये जो वीडियो है मिस्टर इंडियन बेकर चैनल की ओर से है और पाकिस्तानियों की अच्छे से बजाते भी है और पाकिस्तान में बहुत ही बड़े बड़े फैन बने हैं भाई विराट कोहली के, और विराट कोहली के फैन पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरा इंडिया तो है, उसके अलावा भी बहुत सारी कंट्री है जो विराट कोहली को पसंद करती है एज अ प्लेयर और एज अ कैरेक्टर। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सात पे सात, आठ पे आठ। आज इंडिया ने अपना 8वां मैच भी अफ्रीका के खिलाफ जीत लिया। यही कहूंगा, बाप बाप होता है। उन्होंने वाकई में कहा था कि बाप बाप होता है, इंडिया वाकई सबका बाप है। अम्बू बोले तो भारत, और जब क्रिकेट की बात हो रही हो तो विराट कोहली। आज फिर सुनते हैं यार, वो एशिया कप वाला बोले तो भारत, क्या कहते हो? यस ठीक, एंड में सुनते हैं। अभी सुनते हैं विराट कोहली का बर्थडे सॉन्ग। हाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू आवर डियरेस्ट विराट कोहली, सो हियर वी गो। बार बार दिल ये आए, मजा नहीं आ रहा है, कोई म्यूजिक तो दे दो यार इसको। टीम, आपके पास एक म्यूजिक होगा की नॉट? जरा लगाइए। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, भाई वेल्डन। बर्थडे बॉय ने 101 बोर्ड पर टांग दिया अकेले ही, और साउथ अफ्रीका 18 रन से विराट कोहली से हार गया। टंबा तो भाई, टंबा मतलब अपना टंबा बवुमा, पंजाबी में टंबा कहते हैं डंडे को, जो खूंटा देखा होगा आपने। टंबा खड़ा देख रहा था, बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह सोच रहा था आज कि यार बॉल में कुछ तो है। रोज ये पाकिस्तानियों के मुंह से सुनते हैं ना कि दया, यहां कुछ तो गड़बड़ है। कोई डिवाइस लगा है, अंपायर धीरे से निकाल कर नई गेंद दे देता है, कोई और तरह की गेंद दे देता है, तिलिस्मी गेंद है। भारतीय पंडितों ने, ये पाकिस्तान के वर्ड है सारे के सारे, भारतीय पंडितों ने टूना टोटका कर रखा है, काला जादू कर रखा है, वगैरह वगैरह वगैरह। एनीवे, सुनते हैं पाकिस्तानियों के क्या हाल चाल है, कैसे हो भाई साहब? मैं ठीक बिल्कुल नहीं हूँ भाई, क्या कहना चाहेंगे, इंडिया अनबीटेबल हो गया यार, साउथ अफ्रीका। मुझे ना गूस बम्स आ रहे थे जब विराट कोहली जो था ना वो अपनी सेंचुरी के बाद गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो आई वाज फीलिंग लाइक यार मतलब बर्थडे बॉय देन सेंचुरी एंड देन रिकॉर्ड ब्रेकर, तो मतलब लाइक पता नहीं क्या ही हो रहा है, मतलब ये लोग उठ ये तो सबको चपेड़े मारे हैं, वो कहते हैं ना कि मारा है प्रॉपर तौर पर। और साउथ अफ्रीका एक बड़ी टीम थी, बड़ा स्कोर करने वाली टीम थी, और आज जिस तरह उनको शिकस्त दिया तो आउटस्टैंडिंग, गेम देख के बहुत मजा आया, खास तौर पर उनकी बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग आउटस्टैंडिंग हो गया, कमाल हो गया आज इंडिया ने, मतलब दिल खोल के जितनी भी बातें कर सकते थे वो कम है। 9 मैच ये 10वां सेमीफाइनल 11वां फाइनल, वन बीटेबल खेल के जाएंगे, अपना नया रिकॉर्ड भी बनाएंगे और ट्रॉफी भी उठाएंगे। 8वां मैच भी गया इंडिया के हक में, मतलब बुमराह नहीं चलता तो जडेजा चल जाए, जडेजा नहीं चलता शामी चल जाए, शामी ना चले तो उनका यो कोई विराट कोहली का लगवा देते हैं, वो चल जाता, वो दो विकेटें वो ले जाता आके। अगर आज विराट कोहली को ओवर दिया होता ना तो वो पक्का दो विकेट ले लेता, आज उससे कुछ भी करवा लेते। आज अनुष्का ने भाई कह के भेजा था, कोहली ए कोहली कोहली सेंचुरी मारना वरना घर मत आइयो। मैंने विराट भाई को ना बड़ी देर से देख रहा हूँ, जब से वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल कंट्रीज का उन्होंने विजिट किया, और जितना प्यार उन्हें इंडिया में मिला ना उतना प्यार कहीं से नहीं मिला, ठीक है, और वो एक अलग ही उनका लेवल था, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने कभी भी इंडियन आवाम को पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं जाना, हम बस यही चाहते हैं, असल में हम ना सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, अगर इंडियन जीत गए ना इन्होंने कोई अगले 10 साल हमारी जान नहीं छोड़नी। ये चीज़ है, इससे तो मतलब वो एक जाहिर बात, अच्छा अगर हम जीत गए तो हम क्या चुप रहे, हमने भी नहीं जान छोड़नी। क्या 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 रे,
सुनो इनकी बात कैसे कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में एक मैच क्या जीत लिया, इनको बातें आने लगी यार। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जान छोड़ने की बात। जब देखो जो क्रिकेट शो देख लो, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हम चैंपियन है। मैं तो पहले यार माफी करना चाहूंगा यार, हमारे से जो गलती हुई है माफ करो हमें, हमें सेमीफाइनल में ऐसा ना धोना जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया बाकी टीमों को हमें भी धोया। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं इस रेस में रहता, बाहर होता है, तो ट्रॉफी किसकी होती? देखा जाए तो असल में ना मेरी दूसरी जो फेवरेट टीम थी वो थी न्यूजीलैंड, लेकिन अब जो है अगले मैच में न्यूजीलैंड का हारना जायज है, क्योंकि जब तक वो हारेगी नहीं तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। मतलबीपन खून में है तुम्हारे। तुम लोगों ने इमरान खान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, वो फिजा। अकेला इमरान खान और उसके साथ खड़े अवाम, ये भी बड़ी अजीब सी चीज है। अब नहीं बात करती तो नया नहीं है भाई, मतलबीपन कुछ नया नहीं है तुम लोगों के लिए। वाकई में ये पाकिस्तानी बाबा बनते थे ना, ये बाबा नहीं है, वाकई में वो बाप है। उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर कोई भी नहीं है, हम लोग बाप हैं, बॉलिंग में बाप है, फील्डिंग में बाप है और बैटिंग में बाप है। सर आपको पता है किसकी सालगिरह है? सर किसको नहीं पता, मुझे बताएं। एक एक ही तो जाएगी, यानी कि बंदे की फैन है ये हमारे पाकिस्तान की जनता। किसकी भला? विराट कोहली। ठीक है, इफ द कैमरामैन कैन शो यू। ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू, और आई रियली वांट कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें। इस पाक कन्या की ये बात तो मेरे को भी अच्छी लगी यार, भाग गई। इस वीडियो को इतना शेयर करें। करो यार शेयर, इतना करो कि वीडियो ना घिस करना खत्म हो जाए। इतना शेयर करें। शेयरिंग फिर भी नहीं रुकनी चाहिए कि विराट तक पहुंच जाए और उनको पता चल जाए कि देयर इज अ फैन जो चाहती है कि उसकी विश वहां तक पहुंचे। और आई रियली वांट कि आप बिल्कुल रिटायर ना हो, आई वांट भैया। देखो इंडिया जो है ना उसके पास स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा है, वो पाकिस्तान के साथ ना भी खेले तो उसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है क्योंकि हम एक वो क्या कहते हैं तरक्की करने वाले ममालिक में शामिल है, डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन इंडिया के पास उनकी 24/7 पूरा ईयर उनकी क्रिकेट चल रही होती है, वो हर IPL में आप देखेंगे वो एक प्लेयर नहीं निकालते, वो चार बैट्समैन निकालते हैं। ठीक है, हम बॉलर निकालते हैं। वो अगर आप उनका IPL भी देखेंगे ना, वहाँ पे 20-20 ओवर्स में भी ना 300 के सराउंडिंग में स्कोर चल रहा था। ठीक है, उनके इंडिया की जितने भी विकेट्स हैं ना वो बैटिंग विकेट्स हैं। आज कोहली की बर्थडे भी है ना? हाँ कोहली है, इंशाल्लाह कोहली सेंचुरी आएगी आज बर्थडे के दिन, डबल सेंचुरी आएगी भाई जान। हाँ जी, डबल खुशी बर्थडे के वाले से। इंडिया ने जीतना क्योंकि इंडिया अपने इलाके में खेल रहा है, उन्होंने जीतना। इलाके में भी खेल रहा है और फॉर्म भी बड़ी अच्छी चल रही है, बैटिंग बॉलिंग हर चीज में क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं और चीज भी कर लेते हैं, कर भी लेते हैं स्कोर। क्या सेमीफाइनल में नजर आ रहा है या फाइनल में नजर आ रहा है आपको? सेमीफाइनल से तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, सेमीफाइनल में कौन बाहर करेगा? मैच किसके साथ है? भारत को सेमीफाइनल में बाहर करेगा बिलावल भुट्टो। अगर इसको कहा जाता ना कि सेमीफाइनल बिलावल भुट्टो के साथ है तो इसने यही कहना था। इसे कहते हैं दोस्तों असली तड़प, असली जलन। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है, कौन ट्रॉफी ले जा रहा है, बस भारत बाहर होना चाहिए। पता है इसको घंटे का नहीं है। मैच किसके साथ है? क्रिकेट के सी का मुंह इधर होता है या इधर होता है नहीं पता। कुछ लोग ऐसे भी थे। अच्छा, आप एज अ पाकिस्तानी आप किसको सपोर्ट करिए, इंडिया को या साउथ अफ्रीका को? एज अ पाकिस्तानी मैं इंडिया को तो खैर नहीं सपोर्ट करूंगी, क्योंकि जाहिर से बात है हमारा कॉम्पिटिटर है, तो साउथ अफ्रीका को। बाय द वे इंडिया वर्सेस इजराइल होता तो। लेकिन इंडिया का कोई ऐसा प्लेयर, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभम गिल, इतने हैं, कोई ऐसा प्लेयर जो आप कहते हो यार ये कितना प्यारा है, ये कितना अच्छा और क्या परफॉर्म करता है? ऑब्वियसली विराट कोहली। विराट कोहली अच्छा लगता है, कोई मैसेज दे दो विराट कोहली को, बर्थडे आने वाली है बॉय की। अच्छा, बर्थडे आने वाली, जिस तरह पाकिस्तान में सब हम लोग शाहीन अफरीदी को पसंद करते हैं, शाहिद अफरीदी को पसंद करते थे, इस तरह हम लोग इंडिया में जाए वो विराट कोहली को मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू विराट कोहली, लेजेंड, लिविंग लेजेंड, क्रिकेट का बादशाह, किंग, बाप सबका, मतलब विराट कोहली, हैप्पी बर्थडे ब्रो। और विराट कोहली ने इसलिए सेंचुरी नहीं थी मारी, उसने संभाल के रखी थी अपनी बर्थडे के लिए कि भाई बर्थडे वाले दिन सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना। ठीक है, और सचिन को पीछे छोड़ देना, फिर सचिन से बड़ा विराट कोहली यार। दिल में कौन बसता है? दिल में मेरे, मैं आपको दिखाता हूँ कौन बसता है। अभी मेरे पास लाइट नहीं है, मैं आपको लाइट, ये देखो दिल में मेरे विराट कोहली बसता है यार। दिल में विराट कोहली है, मैं विराट का डाई हार्ड फैन हूँ। ठीक है ना भाई, क्रिकेट अगर देखता हूँ ना मैं, और इंडियन क्रिकेट खास कर के पूरी तसल्ली से बैठ के देखता, तो वो देखता सिर्फ विराट कोहली के बारे में, क्योंकि इतना कोई मैसिव किस्म का बैट्समैन है, इतना अखीर बैट्समैन है यार उसकी बैटिंग। वो कहते हैं ना कि हर 25-30 सालों बाद एक ऐसा बैट्समैन जैसे ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर था, ये वाहिद प्लेयर अगर पाकिस्तान आएगा, अगर प्रीमियम पास 1,00,000 रुपये का तो मैं 1,00,000 रुपये की सिर्फ इसकी बैटिंग देखने जाऊँगा।
मतलब क्या आप उन्हें पाकिस्तान में देखना चाहती हैं 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में? Obviously yes. हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब विराट हमें पाकिस्तान में परफॉर्म करते हुए नजर आए. एंड मैं आपको सच बताऊं तो यहाँ पर पाकिस्तान में उनके इतने फैन हैं कि मतलब आई थिंक इतना प्यार है कि मुझे लगता है कि शायद हम अपनी टीम को भी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाते. हम अपनी टीम के साथ इनजस्टिस करते हैं बिकॉज विराट तो है ही क्लास ना. ये तो है भाई पाकिस्तानियों का. ये ऐसे पाकिस्तानी बढ़ाओ यार, तुम लोग ऐसे ही पाकिस्तानी होने चाहिए सारे. जब बात विराट की आती है ना तो बाकी चीजें कुर्बान. एशिया कप याद है यार? देखो मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान जीते, लेकिन विराट कोहली की वजह से इंडिया जीत जाए. एशिया कप में 1, 2, 5 नहीं भाई साहब, 100 बंदे दिखाए होंगे मैंने आपको ऐसे. ठीक है, जब बात एशिया कप की आ गई है, बात अब्बू की हो रही है, तो भाई एक सॉन्ग जो एशिया कप में आपने इतना प्यार सपोर्ट दिया वो आज फिर चलना चाहिए. ठीक है दोस्तों, मजा लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद जय भारत. भारत क्या लग रहा है कौन जीतेगा आज का मैच? अब्बू इन भारत बोले तो पापा. उठा दे टांगे लगा दे नीचे चक दे भारत. उठा दे टांगे लगा दे नीचे चक दे भारत. थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए. और मिस्टर इनर बेकर ने अच्छे से बजाई पाकिस्तानी. और पाकिस्तानियों जो ड्रीम देख रहे हो ना 2025 में चैंपियन ट्रॉफी का, भूल जाओ भारत नहीं आने वाला बात उसमें भी. और दूसरी बात कि 2025 का जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होने वाला नहीं है. अब से हम बोल रहे हैं फिर 2025 तक दोस्तों ये वीडियो संभाल के रखना. यदि हम मैं झूठ निकला तो 110% लिख के ले लो, भारत तो नहीं जाएगा. बट जहां तक मेरे को लग रहा है 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी है वो भारत में ही खेली जाएगी. हाँ. क्योंकि अभी बीसीसीआई अच्छे से पीछे पड़ गया है भाई चैंपियन ट्रॉफी के लिए. और बात चल भी रही है कहीं ना कहीं, या भारत नहीं खेला जाएगा तो कोई और कंट्री लिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होगा. क्योंकि पाकिस्तान के पास मतलब इतनी सारी टीमें आएगी उसको संभालने के लिए भी सिक्योरिटी होनी चाहिए ना. कुछ डेली बॉम्ब धमाके वहां पे होते भाई, तो कैसे भाई जाए. और विराट कोहली का बर्थडे था और साउथ अफ्रीका के सामने जो बंदे ने प्ले किया, मैं तो यही मानता था भले भारत आया था लेकिन इस बार तो विराट कोहली का हार्ट डेड होना ही चाहिए. हाँ, और विराट कोहली से ही हार्ट डेड बिल्कुल. तो दोस्तों इस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि हमें वीडियो अच्छी लगी है. होगी 110% आपको तो इसको इतना शेयर कर दो जो वो लड़की बोल रही थी ना, ठोक दो शेयरिंग अच्छे से ठोक दो. तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में. फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, आप खुश रहिए, दिवाली आ रही है अभी से स्टार्ट बोल देते हैं एडवांस में हैप्पी दिवाली. पटाखे परचेज कीजिए बहुत सारे. हाँ, खास करके पॉल्यूशन ना हो इसका ध्यान जरूर रखिएगा. गुजराती में खाओ पियो और जलसा करो. हाँ, मौज करो, वाली डाओ पूरी मौज ले लो. तो दोस्तों फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ. टिल देन जय हिंद जय हिंद जय भारत.